भिंडी फ्राई के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम भिंडी छोटे टुकड़ों में कटे हुए, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, ग्रेटेड लहसुन और सरसों का तेल। हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे नहीं तो ये जो भिंडी है ये फ्राई नहीं होगा। ऑयल गर्म होने तक हम इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा को हम अच्छे से भून लेंगे। जीरा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। देखिए हमारा जो लहसुन है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फिर हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे भिंडी, भिंडी को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम थोड़ा सा इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा जो भिंडी है वो थोड़ा सा फ्राई हो गया है। फिर हम इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने अपने हिसाब के अनुसार डालें। फिर हम इसको मिला लेंगे और एक बार, जब तक भिंडी आधा ना फ्राई हो जाए तब तक हम टमाटर प्याज नहीं डालेंगे। तो फिर हम भिंडी फ्राई करने के लिए ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन को बीच बीच में खोल के चलाना पड़ेगा नहीं तो भिंडी जो है वो नीचे से पूरा जल जाएगा। तो फिर हम देखिए हमारा जो भिंडी है वो आधा फ्राई हो चुका है। तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये पूरा गल चुका है तो फिर हम इसमें प्याज को डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें नमक थोड़ा सा कम हो सकता है, इसीलिए हम डालें। अगर आप पहले से ही ज़्यादा डाल दिया है तो फिर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नमक और अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद हम फिर से ढक्कन लगा देंगे कढ़ाई का। कुछ देर बाद हम फिर से ढक्कन खोल के इसको कुकिंग स्पून से एक बार चला लेंगे, फिर जाके हम इसको टॉस कर लेंगे। हम ज़्यादा कुकिंग स्पून यूज़ नहीं करेंगे नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, फ्राई नहीं होगा। फिर हम भिंडी को ऐसे टॉस करते हुए फ्राई करेंगे। देखिए हमारा भिंडी फ्राई बिल्कुल बनके तैयार है, आप इसको ट्राई करें और ज़रूर बताइए कैसा हुआ।